ओम शांति। कल की प्यारे मीठे बाप दादा की अव्यक्त वाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं, मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है ये मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना, तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ी माला है स्वमान की, उन्हें इमर्ज करना है। इतनी बड़ी माला है जो सोमान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का भी कोई बच्चे कहते हैं, अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा, ये अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे। लेकिन नहीं, जिनको पीछे संदेश देंगे वो भी आपको उलहना देंगे। क्या उलहना देंगे, आपने पहले क्यों नहीं बताया तो हम भी कुछ कर लेते थे, अभी आपने लास्ट में बताया तो हम तो सिर्फ पहचान कर ओहो प्रभु तेरी लीला अपार है यही कह सकेंगे। पद तो पा नहीं सकेंगे क्योंकि पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिला। बहुत समय का भी सहयोग चाहिए, इसलिए आप सभी वारिस बैठे हो ना। जो अपने को समझते हैं हम वारिस है, वह हाथ उठाओ। वारिस है सभी? अच्छा, वारिस है तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा? सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है। तो फुल वर्षा है 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना, राज्य फैमिली में आना। तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहां की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वह ताजधारी बन के बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले ऐसे नहीं कि सिर्फ वह राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। जो राजा है केवल वही राज्य करेगा ऐसा नहीं, जो परिवार के हैं वो आपस में राय लेते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं है, अकाले मृत्यु तो होना नहीं है, तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना है? पूरा वर्षा लेना है ना सभी को? कहे हाँ जी बाबा, आपकी मातेश्वरी जगत अम्बा सदा यही लक्ष्य रखती थी। मम्मा का सदैव यही लक्ष्य होता था। बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने जो श्रीमत दी है, चाहे मनसा वाचा चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी है वह हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसलिए बाप दादा के सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा ये तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। बाप दादा ने देखा, बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए हैं। अच्छा है, बाप दादा मुबारक देते हैं। बाबा को भी खुशी होती है, बच्चे सेवा के भिन्न भिन्न तरीके निकालते हैं तो इसलिए मुबारक दे रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं, लेकिन अब समय प्रमाण कोर्स के बजाय फोर्स का कोर्स कराओ। ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वह आत्माएं बाप के सिर्फ स्नेही सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली फोर्स, सर्व फोर्स भरने वाली आत्मा बने, समीप का रत्न बने। ये हो सकता है? अभी फोर्स का कोर्स कराओ।
क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि अभी प्रकृति हलचल में आ गई, इसलिए कोई न कोई कारण प्रकृति की हलचल अपना प्रभाव दिखा रही है और दिखाती रहेगी। जो ख्याल ख्वाब में बातें नहीं हैं, वो प्रैक्टिकल देखते चलेंगे। तो प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाना है। अभी तो अपने अपने प्रभाव डाल रही है, इसलिए समय प्रति समय नई नई बातें होती रहती है। लेकिन आप सब तो वारिस हो ना, सिर्फ स्नेही सहयोगी नहीं, वारिस, फुल अधिकारी। वारिस है ना सभी? कहें हाँ जी बाबा। डबल फॉरेनर्स भी वारिस है ना? है वारिस, फुल वर्षा लेने वाले, अधूरा नहीं। पांडव फुल वर्षा लेने वाले हो तो बाप दादा की आशा का दीपक है। तो यही याद रखो, स्मृति दिवस पर हर एक बच्चा, चाहे आए हैं चाहे अभी नहीं आए हैं, चाहे दूर बैठ दिल में समाए हुए हैं, हर एक को बाप दादा की ये आज्ञा बनना और मानना है कि मुझे कभी शब्द नहीं कहना है, डबल अंडरलाइन, अभी अभी, कल भी किसने देखा है, आज जो करना है वह करना ही है, सोचना नहीं। सोचेंगे, करेंगे, हो जाएगा, ये बाप को भी दिलासा देते हैं। बाबा आप ख्याल नहीं करो, हम समय पर ठीक हो जाएंगे। बाबा को भी दिलासा देने में बच्चे कसर नहीं छोड़ते। लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी अभी कोई भी पेपर आ जाए तो हर एक बच्चा फुल पास हो जाए। हो सकता है, हो सकता है, फुल पास होना है। अच्छा, आज जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। पहली बार आने वालों को बाप दादा आने की बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन आप चाहो तो आगे से आगे आ सकते हो। ये वरदान प्रैक्टिकल में लाने चाहे तो बाप दादा का वरदान है, बाबा का भी वरदान है। आगे आना चाहे तो आ जाए, ऐसा नहीं कि लेट आए हैं। इसके लिए पहले आने वालों के लिए बाप दादा खुशखबरी सुना रहे हैं कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, ये दिल खुश मिठाई खा लो। बाप दादा को ये खुशी है कि फिर भी टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए, ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग अगर आ गए तो हम सब खुश होंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप क्यों, हम क्यों नहीं। नहीं, पहले वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि आप क्यों आगे आ रहे हैं, हम क्यों नहीं। बाबा कहते नहीं, पहले आओ। अच्छा, बैठ जाओ। दिल खुश मिठाई खाई सबने? खाए हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 मुरली क्लास, प्रातः 4:45 बजे और अव्यक्तवाणी पर रात्रि क्लास 9:15 बजे। ओम शांति।